नए संसद भवन की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी नया विधानसभा भवन बनाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर 25 दिसंबर को नए विधान भवन की आधारशिला रखी जा सकती है। दारुल शफा और आसपास के क्षेत्र को मिलाकर नए भवन का निर्माण होगा। इस पर करीब 3000 करोड़ रुपए की लागत आने की संभावना है। मौजूदा विधान भवन में 403 विधायकों के बैठने की व्यवस्था है। भविष्य में सदस्यों की संख्या और बदलती तकनीक के हिसाब से इसमें जगह कम है। यह भवन लखनऊ के हजरतगंज इलाके में स्थित है। हजरतगंज राजधानी का प्रमुख क्षेत्र है। जब विधानसभा की कार्यवाही चलती है तो आम लोगों को ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़ता है। योगी सरकार का लक्ष्य है कि 18वीं विधानसभा के कम से कम एक सत्र का आयोजन इस नए भवन में हो। साल 2023-24 के आम बजट में टोकन के तौर पर 50 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक लोक भवन के पीछे दारुल शफा के पुराने भवन को ढहाया जाएगा। जरूरत के अनुरूप अन्य भवनों को भी इसके दायरे में लाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश का मौजूदा विधानसभा भवन करीब 100 साल पुराना है। इसकी नींव 15 दिसंबर 1922 को तत्कालीन गवर्नर सर स्पेंसर हर्बर्ट बटलर ने रखी थी। यह भवन करीब 6 साल में बनकर तैयार हुआ था। 21 फरवरी 1928 को इसका उद्घाटन किया गया था। इसका निर्माण कोलकाता की मेसर्स मार्टिन एंड कंपनी ने किया था। इसके मुख्य आर्किटेक्ट सर स्विनोव जैकब और हीरा सिंह थे। उस वक्त इसके निर्माण के लिए 21 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। उत्तर प्रदेश का मौजूदा विधान भवन यूरोपियन और अवधि निर्माण की मिश्रित शैली का बेहतरीन उदाहरण है।